मैंने ये ली थी FW ऑर्गेनिक फेशियल की किट, तो मैंने सोचा आपके साथ कर लूँ इसका रिव्यू शेयर, क्योंकि मैं भी बहुत डरती थी। मैं फेशियल बहुत कम लेती थी तो किसी अच्छे पार्लर से लेती थी, लोकल से नहीं। तो ये इसमें 5 डब्बीज आती हैं और ये इसकी कुछ इस तरह की किट है। इनकी वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है। चले जी करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो है उनके लिए जिनके फेस पे हो जाती है एक्ने फेशियल के बाद और वो डरते हैं फेशियल लेने से और उनको लगता है हमारे फलां फलां मसले निकल आते हैं। चलें जी आज आपके साथ अपना पर्सनली रिव्यू शेयर करते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है जिसके बाद आपको एक्ने नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खुश बात होंगे। इसमें जी 5 डब्बी होती हैं। स्टेप नंबर 1 में है रोज़ क्लिनजिंग मिल्क, इसको आपने 5 से 10 मिनट करना है। उसके बाद ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना, ठीक है। फेस पर आपने इसको करना है, मैंने तो हैंड पे करके आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी माउंट लेनी है और स्टेप नंबर 2 में आ जाता है एप्रिकॉट स्क्रब, इसको भी आपने जी पूरे फेस पे जेंटली स्क्रब करना है 3 मिनट के लिए, ठीक है। राम राम से प्यार प्यार से करना है जिनकी सेंसिटिव स्किन है। मैंने तो हैंड पे इसलिए यूज़ की थी कि चलो फेस में शो करना नहीं चाह रही थी, आपको दिखाना ही है इसके अंदर से प्रोडक्ट। और ये जो ना इसके ऊपर कैप पे लगी होती है ना, कोशिश किया करें वही पहले ले लें, वो सारी किनारों को लग जाती है अगर हम नहीं वो यूज़ करते। स्टेप नंबर 1 था क्लिनजिंग मिल्क, स्टेप नंबर 2 था स्क्रब एप्रिकॉट स्क्रब, स्टेप नंबर 3 है जी विटामिन ई मसाज क्रीम। ओके, इसको भी हमने सर्कुलर मोशन में फेस पे करना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। आराम आराम से सॉफ्टली सॉफ्टली करना है, हार्ड ना करना फिर रैश हो जाएंगे जी। ये है तो ऑर्गेनिक लेकिन फिर भी सर्कुलर मोशन में करनी है मसाज आपने 10 मिनट के लिए स्टेप नंबर 3 में, विटामिन ई मसाज क्रीम जो थी। इसके बाद जी हम कर रहे हैं आपके साथ स्टेप नंबर 4 शेयर। इसमें क्या करना है, ये मैंने ना मैंने साथ पानी रखा था कि थोड़ा बहुत अगर ड्राई हो जाता है ना तो पानी के साथ आप इसको हैंड को वेट करके ना कर लिया करें। और मैंने बेबी वाइप्स लेके बैठी थी, मैंने उससे साफ़ कर लिया। आपका दिल करे तो आप जब ठंडे पानी से वॉश कर रहे हैं, नहीं तो बेबी वाइप से साफ़ करके काम चला लें। बार बार कौन उठे जी हाथ तो इन्ना चक्कर जी पे आ रही है, तो इसलिए मैंने बेबी वाइप्स जनाब रख लिया था पास। अब आपको दिखाती हूँ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने करना है मिनरल क्ले मास्क यूज़, ठीक है। स्टेप नंबर 4 के जो डब्बी है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है मिनरल क्ले मास्क। क्ले मास्क में आपने इसको थिन लेयर इसके ना पूरे फेस पे अप्लाई कर देनी है, यहाँ तक कि जब तक ये ड्राई नहीं होता। खुल जा दम 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 छू खुल गया जी। चले जी आप लोग इसका भी क्ले मास्क को ले लेना और इसको थोड़ा सा मैंने ना अप्लाई किया था, थिन लेयर इसकी अप्लाई करनी है पूरे फेस पे करनी है। आप इसको 2 मिनट कर लें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको जब तक ये ड्राई नहीं होता। ये स्किन का हिसाब होता है, कुछ की स्किन पे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, कुछ की स्किन पे फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। एक हैंड पे मैंने लगाया, फिर मैंने सोचा चलो दूसरे हैंड पे भी लगा लेती हूँ, अब दोनों प्रोसीजर किए हैं तो इस पर भी कर लें, ये इसको क्ले मास्क का भी यूज़ कर लें। मैंने फिर इस पर भी क्ले मास्क यूज़ कर लिया और इसको भी हमने वॉश ही करना है जब ये ड्राई हो जाएगा ठंडे पानी से, ठीक है जी। फिर अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्ले मास्क को मैंने ड्राई होने के बाद साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज़ एलोवेरा सूथिंग जेल, ठीक है। ये बहुत ही हैंड को ना यकीन करें इतना सॉफ्ट करती है ये जेल के लगाने से, सॉफ्ट करने के अलावा ठंडक ठंडक महसूस होती है। ये फूल शूल डाल लेने हैं हमने ताकि हमें थोड़ी सी फ्रेशमेंट मिलती रहे और हमें एनर्जी आती रहे इनको फ्रेश फ्रेश देख के कि हमने भी ऐसे ही फ्रेश लगना है जी। स्टेप नंबर 5 में जी जेल है, ये मैंने अप्लाई कर लेनी है हैंड पे थोड़ी सी माउंट लेके इसकी, ये अंदर से ऐसे इसका मैं दिखा देती हूँ टेक्स्चर कैसा है। ग्रीन टेक्स्चर तो आपको खुद चेक करने से पता चलना, कलर चेक करवा देती हूँ। ग्रीन कलर था इसका, पिस्ता कलर टाइप, ठीक है। तो शो क्यों नहीं हो रहा, शो थोड़ा थोड़ा ही लाइट में शो हो रहा है कि लाइट पिस्ता कलर है, कहाँ शो होगा। चलें जी आपने देख लिया, मैंने ये यूज़ की थी, मैंने 2-3 दफ़ा इसको फेशियल करने के बाद आपके साथ ये रिव्यू शेयर किया। इसके करने से पिंपल एक्ने कुछ भी नहीं होगा जी, ना रेडनेस होती है। ये बहुत अच्छा है उनके लिए जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।